जो हमारे कनेक्शंस है वो रियल नहीं है, वो तो वर्चुअल है, वो फेसबुक पे है, वो इंस्टाग्राम पे है, वो असली कनेक्शन नहीं है। जो व्यक्ति जिस तरह से ऑफिस से काम करके अपने पड़ोसी से मिलता था, अपने दोस्तों से मिलता था, डिफरेंट सामाजिक ओकेजन्स पे शामिल होता था, अब वैसा नहीं रह गया। अब तो शादियां भी ऑनलाइन हो जाती हैं। कहता है कि बिना मानसिक स्वास्थ्य के कोई व्यक्ति स्वस्थ हो ही नहीं सकता। इसलिए स्वास्थ्य के परिभाषा में भी अगर हम मानसिक स्वास्थ्य को नहीं जोड़ रहे तो परिभाषा अधूरी रह जाती है। वो मेंटल हेल्थ एज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट, मतलब सार्वभौमिक मानव अधिकार, वो है न्यूरोसिस और साइकोसिस। न्यूरोसिस यानी डिप्रेशन, एंजाइटी, उदासी और घबराहट, बेचैनी की परेशानी, जिसे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स कहता है। साइकोसिस है जो कि बहुत ही सीरियस किस्म की साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, मानसिक रोग है, जैसे कि स्किजोफ्रेनिया या बाइपोलर। इनकी संख्या बहुत कम है, 100 में से एक व्यक्ति को ही ऐसी परेशानी होती है। के दो डी, पहला डी है डिस्ट्रेस, कि क्या इस परेशानी से आपको दिक्कत हो रही है या आपके आसपास के लोगों को दिक्कत हो रही है कि हमारे माता पिता को ये मानसिक रोग होना जरूरी है। नहीं, वैसा नहीं है, लेकिन फिर भी जो हमारे जीन्स होते हैं उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा होता है, उससे पता चलता है कि एक उम्र के बाद शायद हमें इस तरह के लक्षण आए। तो एक तो सोशल कनेक्टेडनेस जो होता था वो नहीं रहा है, और ये एक मेन कारण बना है कि हम बहुत आइसोलेटेड फील करते हैं। जब हमें परेशानी होती तो हम किसी से शेयर नहीं कर पाते। नमस्कार, सिट लाइव में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है, मैं हूं प्रशांत झा। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। तन की पीड़ा तो सबको दिखती है, पर मन की पीड़ा नहीं दिख पाती है। मन जब बीमार होता है तो हम मानसिक विकार से जुड़ जाते हैं, और उस मानसिक रोग का इलाज जल्दी नहीं हो पाता है, कारण उसकी चर्चा हम लोगों से नहीं कर पाते हैं। एक कवि की पंक्ति मुझे याद आ रही है कि तन थकता है, तन थमता है, पर मन ये कभी चैन न पाया। तन की पीड़ा तो सबको दिखती, मन छिपकर ही रो पाता है। तो ये छिपने की जो भावना होती है, तो मानसिक विकार या मानसिक रोग होते हैं, वो लोग एक दूसरे से शेयर नहीं कर पाते हैं। 10 अक्टूबर को इसीलिए लगभग 150 देशों में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने के पीछे का उद्देश्य यह होता है कि मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता बढ़ाना, मानसिक स्वास्थ्य के कल्याण के लिए कदम बढ़ाना, और लोगों को अधिक से अधिक इस रोगों से उबारना। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ धनबाद के सुप्रसिद्ध और प्रतिभाशाली डॉक्टर मृणाल झा मौजूद हैं। डॉक्टर मृणाल झा का परिचय आप जानते होंगे, वैसे मैं आपसे एक आप तौर पर औपचारिक परिचय करा देता हूं। ये सीनियर कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट हैं और रॉयल सोसाइटी ऑफ साइकेट्रिस्ट के मेंबर हैं, जो कि यूनाइटेड किंगडम के। मणिपाल से इन्होंने MBBS किया, विद्यागत सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ न्यूरो एनालाइट साइंसेज से इन्होंने TNB की डिग्री ली, और ये एम्स के सीनियर रेजिडेंट भी रह चुके हैं। कहने में कोई शक नहीं है, डॉक्टर मृणाल झा अपने पेशे में काफी ईमानदारी पूर्वक मरीजों का इलाज करते हैं, और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस को लेकर जो जागरूकता कार्यक्रम होने चाहिए उसके लिए भी जब तक प्रयास करते रहते आगे आते हैं। संजोग सिंह सिट लाइव से बातचीत करने को इन्होंने आज समय निकाला है। आइए सीधे जुड़ते हैं डॉक्टर मृणाल झा से और जानते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य को लेकर के क्या उपाय लोगों को करने चाहिए, इनसे किस तरह बच सकें, या जो इसके इससे जकड़ चुके हैं उनसे किस तरह निकल पाए। सर से टाइम में आपको बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। जब तक सर बात होती है शारीरिक पीड़ा की, बिल्कुल वो तो सबको दिखता है और लोग उसके लिए प्रयत्नशील भी होते हैं, जाकर डॉक्टरों से मिलते भी इलाज भी कराते हैं। जब इस तरह की मानसिक बीमारी की बात होती है तो लोग छिपते हैं, खुलकर बात नहीं कर पाते हैं, अपनी पीड़ा किसी को बता नहीं पाते हैं, और यह भी तय नहीं कर पाते हैं कि कोई डॉक्टर इसका इलाज कर सकता है। बिल्कुल। तो आखिर क्या कारण है जो लोग इस तरह छिपते हैं, और इस छिपने से हुए नुकसान क्या है? देखिए, स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो ज्यादातर हम शारीरिक स्वास्थ्य तक ही रुक जाते हैं। हीमोग्लोबिन की कमी सबको समझ में आती है, शुगर BP सबको समझ में आता है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य के बिना कोई सही मायने में कभी स्वस्थ नहीं हो सकता। बिल्कुल। लेकिन इस परेशानी सिर्फ भारत की नहीं है, दुनिया भर की है, कि स्वास्थ्य के डेफिनेशन से
मानसिक स्वास्थ्य को हमेशा अलग रखा जाता है, कभी उसे इंक्लूड नहीं किया जाता। इसलिए WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ तक कहता है कि बिना मानसिक स्वास्थ्य के कोई व्यक्ति स्वस्थ हो ही नहीं सकता। इसलिए स्वास्थ्य के परिभाषा में भी अगर हम मानसिक स्वास्थ्य को नहीं जोड़ रहे तो परिभाषा अधूरी रह जाती है। फिर भी इतने सालों बाद भी, इतने दशक बाद भी मेडिकल साइंस काफी आगे आ गया है, लेकिन अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें तो अभी भी काफी काफी पीछे है, काफी दशक पीछे। ये जो कमी है इसको समझते हुए ही WHO ने 10 अक्टूबर को चुना है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के तौर पे, और हर साल हम एक नए थीम के साथ आगे आते हैं। इस साल 2023 का थीम है वो मेंटल हेल्थ एज ए यूनिवर्सल ह्यूमन राइट, मतलब सार्वभौमिक मानव अधिकार। हमें ये निश्चित करना है कि हर एक व्यक्ति को, हर एक मनुष्य को, चाहे उसका जो भी बैकग्राउंड हो, जो भी स्टेटस हो, जो भी जेंडर हो, उसके लिए मानसिक स्वास्थ्य एक मानव अधिकार होना चाहिए और उस मानव अधिकार की हमें रक्षा करनी चाहिए। इसके लिए जो हमें जानकारी फैलानी है वो फैलानी चाहिए, जो कदम उठाने हैं ताकि हम इस मानव अधिकार की रक्षा कर सके वो उठाना चाहिए। तो ये 10 अक्टूबर जो इस साल का है ये इसी को समर्पित है। बिल्कुल सर, अमूमन ऐसा होता है कि हम लोग सुनते हैं, पढ़ते भी हैं कि फलाने फिल्म अभिनेता ने या किसी टीवी सीरियल में काम करने वाले मशहूर कलाकार ने फांसी लगा ली, या किसी कारण से वो अपनी आत्महत्या कर लिए किसी भी प्रश्न से, और उनके बारे में कहा था कि लंबे समय से डिप्रेशन के शिकार थे, तनाव में चल रहे थे। तो क्या ये तनाव, डिप्रेशन ये ही केवल मानसिक रोग है या इसके अलावा भी कुछ और? कई किस्म के मानसिक रोग होते हैं, और अगर जस्ट समझाने के लिए हम सबसे सिंपल शब्दों में कहें, हालांकि अंग्रेजी के टर्म है, वो है न्यूरोसिस और साइकोसिस। न्यूरोसिस यानी डिप्रेशन, एंजाइटी, उदासी और घबराहट, बेचैनी की परेशानी, जिसे WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स कहता है। कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स इसलिए क्योंकि इनकी तादाद सबसे ज्यादा है हमारे समाज में। कुछ जो सर्वे हुए हैं, जो भारत सरकार ने खुद किया है, निमहांस बैंगलोर ने किया है, उसने पाया है कि भारत में 15 में से करीब एक व्यक्ति को इस किस्म का रोग, मानसिक रोग हो सकता है अपने जीवन काल में, 15 में से एक, जो कि काफी काफी बड़ा एक बड़ी एक संख्या है। दूसरी तरफ हमारे पास साइकोसिस है, जो कि बहुत ही सीरियस किस्म की साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, मानसिक रोग है, जैसे कि स्किजोफ्रेनिया या बाइपोलर। इनकी संख्या बहुत कम है, 100 में से एक व्यक्ति को ही ऐसी परेशानी होती है, लेकिन ये ऐसी बीमारी है जिसका अगर सही इलाज न किया जाए तो शायद जीवन भर ये परेशानी रहे। व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य साल दर साल और ज्यादा खराब होता जाए, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति अपने आप को या दूसरों को नुकसान पहुंचाए। बिल्कुल, कोई व्यक्ति ये कैसे समझ सकता है कि वो मानसिक रोग का शिकार हो चुका है? बिल्कुल, बहुत ही मुश्किल होता है हमारे लिए समझ पाना। ज्यादातर जब हम कोई मानसिक परेशानी से गुजर रहे होते हैं तो हम अपने आप को ही दोष देते हैं कि इसमें मेरी ही गलती थी, कि मैं ही अपने आप को संभाल नहीं पाया, या उस परिस्थिति में अच्छा कुछ परफॉर्म नहीं कर पाया। तुम अपने आप ये बोझ ले लेते हैं, अपने ऊपर ले लेते हैं कि मेरी कमी थी इसलिए ऐसा हो गया। मानसिक रोग में जब भी हमें कोई डायग्नोसिस बनाना होता है तो हम 2 D's को देखते हैं, अंग्रेजी के 2 D। पहला डी है डिस्ट्रेस, कि क्या इस परेशानी से आपको दिक्कत हो रही है या आपके आसपास के लोगों को दिक्कत हो रही है, इतना दिक्कत कि आपके जीवन की जो खुशी है, जो सुख चैन है, वो सब आपसे छिनता जा रहा है। तो अगर डिस्ट्रेस हो, आप परेशान हो रहे हो, आपके घर वाले या आपके साथ काम करने वाले, आपके समाज में जो आपसे जुड़े हैं वो परेशान हो रहे हैं, तो ये एक सिग्नल है कि शायद एक मानसिक रोग है। दूसरा डी जो हम देखते हैं वो है डिसफंक्शन। हम सबका एक रोल है, हमारे घर में, हमारे ऑफिस में, स्कूल कॉलेज में, या समाज का एक हिस्सा जब है, हमें देखना है कि जो भी ये परिस्थिति है इससे क्या हम ये अपना जो एक रोल है उसको पूरी तरह से निभा पा रहे हैं, उसको जस्टिस कर पा रहे हैं। अगर हम ये नहीं कर पा रहे अपने लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए जो हम पे निर्भर करते हैं, तो मतलब कि एक डिसफंक्शन आ गया है, हम अपना रोल पूरा नहीं कर पा रहे। इन दोनों डी में से अगर कोई भी एक हो, डिस्ट्रेस मतलब हम परेशान हैं, डिसफंक्शन कि हमारी जो जिम्मेदारियां हैं वो पूरी तरह नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये शायद
आम तनाव से बढ़ के है और ये मानसिक रोग की परिस्थिति शायद हो सकती है। बिल्कुल, ऐसा कोई आप पॉइंट आउट करना चाहेंगे कि ये मूल कारण और बड़ा कारण होता है मानसिक रोगों के लिए? मानसिक रोग, ये जो सवाल आपने पूछा है कि आखिर होते क्यों है मानसिक रोग, हमें क्यों हम इससे ग्रस्त हो जाते हैं, इस पे 100 साल से ज्यादा से रिसर्च चल रहा है और जो हमने पाया है कि दो मेन कारण होते हैं इसके पीछे। एक है जेनेटिक कारण, जीन्स में है हमारे, मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे माता पिता को ये मानसिक रोग होना जरूरी है, नहीं वैसा नहीं है, लेकिन फिर भी जो हमारे जीन्स होते हैं उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन लिखा होता है, उससे पता चलता है कि एक उम्र के बाद शायद हमें इस तरह के लक्षण आए। तो जब हम सीवियर मेंटलनेस की बात करते हैं, जैसे कि मैंने स्किजोफ्रेनिया का नाम लिया या मैंने बाइपोलर का नाम लिया, तो ये ज्यादातर जेनेटिक इलनेसेस होते हैं और काफी समय एक परिवार में अगर आप देखें तो कई सदस्य ऐसे मिलेंगे जिनको इस तरह की परेशानी हो एक साथ। दूसरी तरफ हो गए जो हम एनवायरमेंट की बात करते हैं, जो उनसे बाहर जो चल रहा है, जिसके कॉन्टेक्स्ट में हम तनाव की बात करते हैं। तनाव एक बहुत ही मेजर फैक्टर हो गया है जिसकी वजह से हमने एक बढ़ोतरी भी देखी है। पहले मानसिक रोग का अगर देखा जाए तो उतनी ज्यादा चर्चा नहीं थी, उसका एक कारण जरूर ये था कि ज्यादा अवेयरनेस भी नहीं था इस सबको लेके, तो बातचीत नहीं हो पाती थी। लेकिन दूसरा कारण जो है जिसकी वजह से हम ज्यादा मानसिक रोग का हम प्रभाव देख रहे हैं, स्पेशली जो यंगर पॉपुलेशन में है, जो युवा है, जो बच्चे हैं उनमें देख रहे हैं, वो है मानसिक तनाव। तनाव भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पहले जो हमारा सोसाइटी जिस तरह से अरेंज था, ज्यादातर जॉइंट फैमिली था और एक सोसाइटी से हम जुड़े रहते थे, रियल वर्ल्ड में बहुत सपोर्ट मिलता था उसे। अब जिस तरह का सोसाइटी हमारा बन गया है वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में, हम बहुत ही आइसोलेटेड एक जीवन जीते हैं। जो हमारे कनेक्शंस हैं वो रियल नहीं है, वो तो वर्चुअल है, वो फेसबुक पे है, वो इंस्टाग्राम पे है, वो असली कनेक्शन नहीं है। जो व्यक्ति जिस तरह से ऑफिस से काम करके अपने पड़ोसी से मिलता था, अपने दोस्तों से मिलता था, डिफरेंट सामाजिक ओकेजन्स पे शामिल होता था, अब वैसा नहीं रह गया। अब तो शादियां भी ऑनलाइन हो जाती हैं, तो एक वो सोशल कनेक्टेडनेस जो होता था वो नहीं रहा है और ये एक मेन कारण बना है कि हम बहुत आइसोलेटेड फील करते हैं। जब कोई परेशानी होती तो हम किसी से शेयर नहीं कर पाते और एक तरह से मानसिक तनाव इससे बनता है। तो दोनों चीजें आई थिंक साथ में आई है, एक तो जेनेटिक कारण है ही और साथ में कुछ जो एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस होते हैं जो बाहर से आते हैं, जो तनाव की हम बात करते हैं, ये दोनों जब मिलते हैं तो मानसिक रोग उभर के आता है। तो कहीं ना कहीं आधुनिक जीवन शैली को आप इसका रोल मानते हैं कि इसकी भूमिका है बहुत बड़ी भूमिका इस तरह के रोगों के प्रसार में। तो जहां तक बात मानसिक विकार की करते हैं, कई लोगों में ऐसा होता है कि चिड़चिड़ापन अचानक उनमें देखने को मिलने लगता है या वो अनिद्रा की शिकायत करते हैं, उन्हें नींद नहीं आती है, तो क्या इसे सीधे सीधे तौर पर मानसिक रोगों से जोड़कर देखा जा सकता है? हम जब एक स्वस्थ व्यक्ति है वो भी अगर कोई तनावपूर्ण स्थिति से परिस्थिति से गुजरता है तो हो सकता है कि उसमें थोड़ा सा उदासी के लक्षण आए, थोड़ा चिड़चिड़ापन आए, थोड़ी नींद कम हो जाए, थोड़ी भूख मिट जाए। इसे हम तुरंत ही मानसिक रोग का एक लेबल नहीं दे देंगे। हाँ, अगर ये कुछ वक्त तक ये लक्षण रहते हैं, लंबे समय तक रहते हैं और इतने इंटेंसिटी के साथ रहते हैं कि व्यक्ति खुद परेशान हो गया है, उसके घर वाले परेशान हो रहे हैं कि ये ऐसा तो नहीं था, ये तो बहुत खुश मिजाज था, ये तो सबसे मिलता जुलता था, आजकल तो इसने सबसे मिलना जुलना छोड़ दिया है, अपने में रहता है, कुछ बोलो तो बहुत गुस्सा हो जाता है, अपने में कभी कभी रोता हुआ दिखता है, रात को जगा रहता है, भूख कम हो गई है, अपना देखभाल नहीं रखता, ऑफिस में परफॉर्मेंस ठीक नहीं हो रहा है, स्कूल से कंप्लेन आ रहे हैं, जब ये दो स्ट्रेस और डिसफंक्शन जो दो डी की मैं बात कर रहा हूं, जब वो दिखने लगता है और कुछ वक्त तक रहता है, तब हम सोचते कि नहीं, ये शायद आम तनाव से बढ़ चुका है और अब इसने मानसिक रोग का रूप ले लिया है। जी, वो क्या एक समय होता है जब मानसिक रोगों के शिकार व्यक्ति को डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, वो क्या स्टेज हो सकता है? बिल्कुल, जैसे मैंने कहा, अगर आपको ये दो डी में से कुछ अपने या अपने आसपास में किसी में दिख रहा है कि कोई व्यक्ति परेशान है, या आप जो उनके दोस्त हैं, परिवार वाले हैं, जो उनके साथ काम करते हैं, आप उनके व्यवहार से प्रभावित हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति ऐसे तो नहीं था पहले, इसके व्यवहार में एक डेफिनेट परिवर्तन आया है और
वो जो भी उसकी जिम्मेदारी है, जो भी रोल है, उसको पूरी तरह नहीं निभा पा रहा है। और अब इस चीज को कुछ हफ्ते कुछ महीने हो गए हैं, तो शायद समय आ गया है कि एक डॉक्टर से, एक स्पेशलिस्ट से राय लिया जाए। देखिए, पहला बात है, राय लेने में, सवाल पूछने में, शेयर करने में कोई नुकसान नहीं है। काफी समय हमें लगता है कि अरे हम डॉक्टर को जाके कुछ बात बताएंगे, कहीं ये बात किसी और को तो ना बता दे। तो मैं ये शेयर करना चाहूंगा कि कॉन्फिडेंशियलिटी हमारे मेडिकल एथिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हम पेशेंट्स जब हमारे पास आते हैं, हमसे कोई भी चीज शेयर करते हैं, तो ये एक तरीके से आप कह सकते हैं नियम है, कानून है कि हम इस बात को और किसी से डिस्कस नहीं कर सकते बिना पेशेंट की सहमति से। दूसरी बात, अगर एक स्पेशलिस्ट इस सिचुएशन को देखता है, उसे समझता है, आपसे कुछ वक्त बिताता है आपके साथ, हो सकता है एक सेशन में ना हो, आपसे दो तीन बार बात करना पड़े, बट कम से कम आपको एक स्पेशलिस्ट ये तो बता पाएगा कि ये जो आप महसूस कर रहे हैं, क्या ये एक आम तनाव की स्थिति है जो अपने आप ही या थोड़े बहुत काउंसलिंग के साथ बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, या फिर ये कुछ सीरियस मानसिक रोग के लक्षण दिख रहे हैं जिनके लिए थोड़ा इंटेंसिवली हमें और डायग्नोसिस बनाना है, कुछ जांच करने हैं, और कुछ हो सकता है दवाई चलानी पड़े, और कुछ हायर लेवल का काउंसलिंग करना पड़े, जिसे हम साइकोथेरेपी कहते हैं, जहाँ पे बातचीत के साथ ही इलाज किया जाता है। जी, यहाँ तक आपने कही कि कुछ दवाइयाँ चलानी पड़ती है, तो मानसिक रोगों में ऐसा दिखाया जाता है कि डॉक्टर किसी स्टेज के बाद ही दवा का प्रयोग करते हैं, मतलब दवा का सहारा लेते हैं, कोशिश करते हैं काउंसलिंग से ही ठीक हो जाए या मामला सुलझ जाए, परिवार वालों को समझाते हैं। आमतौर पर देखा गया है कि डॉक्टरों से संपर्क करने पर वो कहते हैं टेंशन से दूर रहिए, तनाव कम लें, लोगों के बीच रहें। बिल्कुल, तो टेंशन तो आधुनिक जीवन शैली में एक अंग हो गया है, दिनचर्या का अंग है। बच्चों को भी टेंशन है, युवा पीढ़ी को करियर का टेंशन है, नौकरी पेशेवर को नौकरी का टेंशन है, बिजनेस का टेंशन है, बूढ़ों को, बुजुर्गों को एकांत में रहने का टेंशन है जो उनके साथ नहीं रह पाते हैं, तो ये टेंशन की जो परिभाषा बहुत बड़ी हो जाती है। बिल्कुल, तो उसमें कैसे उसे डिफ्रेंशिएट हम लोग कर सकते हैं कि किस लेवल का टेंशन आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक नहीं है, या इस टेंशन से पार चले गए तो ये बहुत ज्यादा आपके लिए हानिकारक है और मानसिक रोग की तरफ आप बढ़ सकते हैं। ये सवाल जो आपने पूछा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आई थिंक काफी दर्शक भी समझना चाहेंगे कि ऐसा क्यों है कि कुछ लोगों को तनाव से इतनी भारी मानसिक रोग के लक्षण आ जाते हैं, कुछ लोग बहुत भारी तनाव में रहते हुए भी बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं। बिल्कुल, इसको समझाने के लिए मैं शारीरिक स्वास्थ्य इन्फेक्शन है उसका एग्जाम्पल देता हूँ कि इम्यूनिटी, हर किसी का इम्यूनिटी अलग होता है, लेकिन ज्यादातर हमारा इम्यूनिटी एक्चुअली काफी अच्छा है, क्योंकि हम तो कॉन्स्टेंटली हमेशा ही काफी इन्फेक्शन से घिरे रहते हैं, हमें दिखाई नहीं देते वो, लेकिन हम जब भी ट्रेन में है, बस में, याद है कि अपने घर में भी है, तो काफी सारे इन्फेक्शन हमारे आसपास है, फिर भी हमारे शरीर में इतनी क्षमता तो है कि ये सारे इन्फेक्शन को इम्यूनिटी के द्वारा रोक सके। वैसे ही जो हमारा दिमाग है, उसमें भी बहुत ज्यादा रेजिलियंस है, बहुत ज्यादा इम्यूनिटी है, कि चाहे जितना भी आप तनाव डालें, वो बहुत जल्दी बीमार नहीं पड़ता है। हमने एक सर्वे किया था कैंसर पेशेंट्स को लेके, कैंसर बहुत भारी बीमारी है, और हमें लगा कि जब किसी व्यक्ति को पता चलता है कि वो कैंसर से ग्रस्त है, तो इमीडिएटली डिप्रेशन में चला जाएगा। इस सर्वे में हमने पाया कि 100 में से लगभग करीब सिर्फ 20 ही लोग थे जिनको कैंसर की डायग्नोसिस के बाद एक्चुअली में डिप्रेशन के लक्षण आए। बाकी 80 का मानना था कि ठीक है, ये तो भारी बीमारी मुझे हो गई है, लेकिन मैं ठीक भी हो जाऊंगा, मुझे उम्मीद है कि डॉक्टर मुझे मदद कर पाएंगे, मैं इसे उभर पाऊंगा। तो एक तरह से हमारे दिमाग का भी इम्यूनिटी एक्चुअली बहुत ही अच्छा है। कभी कभी ऐसा होता है कि तनाव एक हद से बढ़ जाए, और साथ में जेनेटिक कारणों से हमारा दिमाग भी थोड़ा कमजोर हो। जब ये दो चीजें साथ में आती हैं, तभी मानसिक रोग के लक्षण बनते हैं। हर व्यक्ति जो तनाव में है, वो मानसिक रोग से ग्रस्त नहीं है, क्योंकि हो सकता है हम कुछ दिन तनाव में रहे, वो तनाव से जूझ भी पाता है, उसे उभर भी पाता है। और ये 2D जो डिस्ट्रेस है, वो डिसफंक्शन है, वो एक हद तक ही होता है। हो सकता है परेशान हो, फिर भी वो स्कूल में परफॉर्म कर ही लेता है, वो ऑफिस जा ही पाता है, वो घर पे भी जब कोई खुशी का अवसर हो तो खुश हो भी जाता है। बिल्कुल, तो 100 में से वो करीब 15 लोग हैं जिनमें मानसिक रोग के लक्षण आते हैं, जब ये दोनों चीज साथ में आए, जेनेटिक कारण और एनवायरमेंटल स्ट्रेस या तनाव। जी, अभी आपने सुना होगा कि हाल के समय में काफी ऐसी खबरें आई कि कोटा में
कई बच्चों ने जो तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं मेडिकल इंजीनियरिंग की, उन्होंने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया, कहीं ना कहीं डिप्रेशन के शिकार होंगे। ऐसे बच्चों के लिए माता पिता या समाज के लोगों को या जो शिक्षक इनके वो करीब है, वो उन्हें पढ़ा रहे हैं, उनको क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए, ये एक्चुअली में हमारे लिए एक बहुत बड़ी परेशानी की कारण बन रही है, और इसके लिए सरकार को, प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज को, एनजीओज को, समाज को, परिवारों को साथ आना पड़ेगा कि इसका कोई हल निकाला जा सके। क्योंकि इस साल मुझे लगता है हर हफ्ते ही एक न एक खबर ऐसी आई है। जो सिचुएशन अगर हम देखा है कोटा में वो ट्यूशन क्लासेस का जी, साल दर साल जितने लोग वहां जा रहे हैं, ये एग्जाम के लिए कम्पीट कर रहे हैं, वो बढ़ता ही जा रहा है, कॉम्पिटिटिवनेस और बढ़ता ही जा रहा है, और हर बच्चे के लिए इससे जूझ पाना संभव नहीं है। कहीं ना कहीं तो हमें मानना पड़ेगा कि जो पेरेंट्स हैं उन्हें ये समझना पड़ेगा कि शायद मेरा बच्चा इस तनाव को नहीं ले पा रहा, नहीं ले पा रहा, क्योंकि ये इतना बड़ा कदम उठाने से पहले कुछ लक्षण आ ही जाते हैं, कुछ हफ्तों से या कुछ महीनों से वो बच्चा जरूर परेशान होगा, उसका मन अच्छा नहीं होगा, और जाहिर है कि वो शायद मौका मिलने पर इस चीज को व्यक्त भी करता होगा अपने दोस्तों को, अपने पेरेंट्स को, हो सकता है कि अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी कुछ इस तरह की बातें लिखता होगा, जो बिल्कुल बिल्कुल जैसे हम अमेरिका में सुनते हैं कि कोई बच्चा बंदूक लेके गया और उसने फायरिंग शुरू कर दिया स्कूल में, लेकिन अगर आप उस बच्चे का फेसबुक देखें तो पिछले 2 साल में उसने काफी ऐसे वीडियो डाले हैं जो वायलेंस रिलेटेड हैं या गन से रिलेटेड हैं, या हो सकता है उसके परिवार में काफी मेजर प्रॉब्लम चल रहा था, वो बच्चा रेगुलरली स्कूल नहीं जा रहा था, बुलिंग का शिकार था, कुछ ना कुछ संकेत जरूर थे। तो हमें ऐसे कुछ मैकेनिज्म लाने पड़ेंगे, लागू करने पड़ेंगे, ताकि ये जो लक्षण आए, जो साइंस आए, इसको हम पकड़ पाए, और जो ऐसे बच्चे हैं जो जिनमें तनाव इतना बढ़ रहा है, चाहे वो कोटा में हो या अपने घर में ही क्यों ना हो, उनको हम आइडेंटिफाई कर पाए, उनको वो मदद दे पाए जिनकी उनको जरूरत है। कि ज्यादातर ये केसेस में जहाँ पे सुसाइड होता है वहाँ उससे पहले डिप्रेशन की बीमारी ऑलमोस्ट सर्टन ही है कि होती है, उसके लक्षण होते हैं, और अगर हम थोड़ा कोशिश करें, सिर्फ मैं ये परिवार पे ही ये नहीं डालूंगा, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी हम ऐसे कुछ मैकेनिज्म कर सकते हैं ताकि इन बच्चों को हम आइडेंटिफाई कर पाए, इन्हें मदद दे पाए सही वक्त पे। बिल्कुल, और अब समय आ गया है कि कुछ कदम उठाया जाए। हर परिवार में भी कुछ बच्चे ऐसे दिख जाते हैं जिन्हें जो लगता है कि ये मानसिक रोगों की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अपना समाज जो है, जो आधुनिक बनावट है समाज की, या जो माता पिता है, वो उन बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाने या काउंसलिंग सेंटर पर से हिचकते हैं, क्योंकि आमतौर पर ये धारणा क्या होती है कि अगर मानसिक बीमारी है तो कहीं ना कहीं वो पागलपन से तो जुड़ा हुआ है इसमें, तो ये जो भ्रम है इस भ्रम को कैसे तोड़ा जाए समाज में? जिस चीज की बात कर रहे हैं उसको WHO मेंटल हेल्थ गैप कहता है। इसका मतलब है कि अगर 100 लोगों को मानसिक रोग है और उन्हें मानसिक हेल्थ केयर की सुविधाओं की जरूरत है, तो उनमें से कितने लोगों को एक्चुअली में वो ट्रीटमेंट मिल पा रहा है। अगर हम भारत में देखें तो जो मेंटल हेल्थ गैप है करीब 80% है, मतलब 100 में से 80 लोगों को ये सुविधा मिल ही नहीं पा रही, ये इलाज मिल ही नहीं पा रहा। लेकिन ये सिर्फ भारत की कहानी नहीं है, विश्व भर में जो फिगर्स हैं, हो सकता है भारत से थोड़ा बेहतर हो, लेकिन वहां पे भी देखा है कि ज्यादातर लोगों को जिनको मानसिक रोग से जूझने की ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, दवाइयों की आवश्यकता है, काउंसलिंग की आवश्यकता है, वो नहीं मिल पाती। इसमें 2 मेन कारण है। पहला है अवेयरनेस, जानकारी, जागरूकता। हमें पता ही नहीं होता कि हमें या हमारे किसी पास वाले को ये जो लक्षण दिख रहे हैं, ये जो इनके व्यवहार में परिवर्तन है, ये मानसिक रोग के लक्षण है, हमें नहीं समझ में आता। हमें लगता है कि शायद हम में ही कुछ कमी है, या फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर बच्चों में ये लक्षण दिखे तो पेरेंट्स को लगता है कि शायद उनके पेरेंटिंग में कुछ कमी रह गई है कि ऐसा आया है, वो नहीं समझ पाते कि तो एक मानसिक रोग के लक्षण है, और अगर डॉक्टर से मिला जाए तो इसका सही ढंग से डायग्नोसिस बनाया जा सकता है और बहुत ही अच्छे रूप से इलाज किया जा सकता है। तो पहला है कि अवेयरनेस, जानकारी, जागरूकता की कमी। दूसरा, मेंटल हेल्थ स्टिग्मा, और ये बहुत बड़ी परेशानी है। अगर हमारे घर में, परिवार में किसी को जॉन्डिस हो गया या एनीमिया हो गया, तो हम हिचकिचाते नहीं है लोगों से ये डिस्कस करने में या उनसे मशवरा लेने में कि देखिए तो जॉन्डिस का केस है, किसको दिखाएं। अगर किसी को डिप्रेशन हो गया
तो हमें लगता है कि नहीं, ये बात तो छुपाने वाली बात है। ये अगर हम डिप्रेशन की बात करें, मतलब हमारे परिवार वाले में या हमें कोई कमी है, कोई शर्म की बात है। इस माइंडसेट को, इस सोचने के तरीके को बदलने की बहुत आवश्यकता है। अगेन, ये सिर्फ भारत की कहानी नहीं है, ये हर देश की कहानी है। हर जगह मानसिक रोग से जुड़े व्यक्तियों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उन्हें सोसाइटी से एक तरीके से बाहर रखा जाता है, उन्हें उनके मानव अधिकारों से वंचित किया जाता है। ये सिर्फ भारत में नहीं, अमेरिका में हर जगह ही होता है। और इसलिए इस साल WHO ने ये थीम लिया है कि इसे हम एक यूनिवर्सल ह्यूमन राइट बनाए, एक यूनिवर्सल विश्व तौर पे इसे एक मानव अधिकार बनाए और उसकी रक्षा करें। और जो दो मेन कदम हमें लेने हैं वो यही दो है कि पहला, हम मेंटल हेल्थ से, मानसिक रोग से संबंधित जानकारी, जो सही जानकारी है, कि मिस इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन तो बहुत मिल जाएगा आपको अगर आप गूगल करेंगे, लेकिन सही इन्फॉर्मेशन, सही सोर्स से, इसकी बहुत ज़्यादा कमी है, तो इसको हम अवेलेबल कराएं। दूसरा, कि जो इन मानसिक रोगों से जूझ रहे हों उनको एक ऐसा लेवल का केयर दें जिसको वो इजिली एक्सेस कर पाए, जो उनके आसपास उपलब्ध हो, जो एक ऐसे दर पर उपलब्ध हो जिसको वो अफोर्ड कर पाए। ऐसा नहीं कि सिर्फ अमीरों के लिए। पहले माना जाता था कि साइकेट्री बहुत ही एक इलीटिस्ट सब्जेक्ट है, सिर्फ जो बड़े वर्ग के लोग हैं वही इसको एक्सेस कर सकते हैं। और ये सच भी है, क्योंकि साइकेट्रिक केयर अगर मरीज अपने पॉकेट से उसके लिए पे करे तो बहुत ही महंगा है। अगर हम जैसे हम काउंसलिंग की बात कर रहे हैं, टॉक थेरेपी, मतलब बातचीत से होने वाला इलाज, उसका हर सेशन एक घंटे का होता है, हफ्ते में एक बार करके सेशन होता ही है। और अगर आप प्राइवेट कोई साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं तो उसके दर बहुत बहुत हाई होते हैं, जो अगर पेशेंट को अपने पॉकेट से ना पड़े तो ज्यादातर लोगों के बजट के बाहर होगा। तो यहाँ जरूरत है कि गवर्नमेंट और NGOs साथ में आए, और जिनको ये काउंसलिंग की जरूरत है, जिनको ये मेडिकेशन की जरूरत है, उसको हम पेशेंट तक पहुँचा पाए। इस मेंटल हेल्थ से जुड़ा हुआ दो तीन रोगों की स्थिति होती है, भ्रम की स्थिति होती है, वाम की स्थिति होती है, सोच कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, या जो बोलना चाहिए वो नहीं बोल पा रहे हैं, तो ऐसा न्यूरो के भी केस में होता है। तो कैसे इसको डिफरेंशिएट किया जाए कि न्यूरोलॉजिस्ट का मामला है, बेसिकलिस्ट का मामला है? बहुत मुश्किल होता है ये हमारे लिए भी समझाना एक पेशेंट को, क्योंकि न्यूरोलॉजिस्ट भी दिमाग से संबंधित ही परेशानियां देखते हैं, साइकियाट्रिस्ट भी दिमाग से संबंधित परेशानियां देखते हैं, और एक तीसरा जो वर्ग है न्यूरोसर्जन्स का, वो भी ब्रेन से रिलेटेड है। जनरली लोग समझ जाते हैं कि न्यूरोसर्जन मतलब कुछ सर्जरी रिलेटेड कोई चीज है, तो वो थोड़ा सा अलग से रहता है, लेकिन न्यूरोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट के बीच में काफी कंफ्यूजन रहता है। और ये कंफ्यूजन का कारण भी है क्योंकि काफी ओवरलैप है दोनों में। जहां हम डिप्रेशन की, एंग्जाइटी की, मतलब उदासी, घबराहट, बेचैनी की बात करें, शक वहम की बीमारी की बात करें, तेजी की बीमारी की बात करें, या कोई जो नशा संबंधित जो बीमारियां होती है उसकी बात करें, वृद्ध अवस्था में जो भूलने की बीमारियां होती हैं, या बाल अवस्था में कुछ जो दिमाग की कमजोरी हो गई, ये बहुत ज्यादा चंचलपन हो गया, उस चीजों की बात करें, या स्कूल से संबंधित जो परेशानियां हैं, तो ये सब वो रोग हैं जो साइकियाट्रिस्ट देखते हैं। और न्यूरोलॉजिस्ट जो देखते हैं उनका अपना एक सेट है परेशानियों का, जैसे दिमाग के अंदर कोई गांठ होना, या कोई चोट लगना, या फिर दिमाग में रक्त का संचालन ठीक से नहीं हो पाना, या फिर कोई इन्फेक्शन होना, ये सब न्यूरोलॉजिस्ट के अंदर आता है। लेकिन काफ़ी समय मुश्किल होता है एक पेशेंट के लिए समझ पाना कि मुझे किससे सलाह लेना चाहिए, या एक व्यक्ति के लिए जो केयर गिवर है समझ पाना कि मैं अपने पेशेंट में से बात ले जाऊँ। आप एक डॉक्टर के पास ले जाइए, जो आपके पास के भी फिजिशियन है उनके पास ले जाइए, वो आपको गाइड कर पाएंगे कि अच्छा ये केस जो है ये शायद आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाओ तो बेहतर होगा, या इसके लिए तो आपको साइकियाट्रिस्ट से मिलना चाहिए। अगर फिजिशियन नहीं, आप स्पेशलिस्ट से ही मिलना चाहते हैं, तो डायरेक्टली भी एक साइकियाट्रिस्ट से न्यूरोलॉजिस्ट को अप्रोच कर सकते हैं, और वो भी आपको गाइड कर सकते हैं कि ये जो परेशानी के लिए आप आए हैं शायद मेरा स्पेशलिटी का नहीं है, आप साइकियाट्रिस्ट से मिले तो शायद बेहतर इलाज हो। तो ये पेशेंट के लिए समझना मुश्किल है, उसका कारण भी है क्योंकि बहुत ज्यादा ओवरलैप है। लेकिन अगर कोई लक्षण दिख रहे हैं
आप अपने किसी और से नहीं तो कम से कम अपने फैमिली डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें, और वो कम से कम आपको गाइड कर पाएंगे कि आपको कौन से स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। बिल्कुल, कुछ समय पहले एक फिल्म आई जिसमें डिमेंशिया एक बच्चे को दिखाया था कि डिमेंशिया का शिकार है। आप मानते हैं कि इस तरह की फिल्में समाज में आनी चाहिए तो कि मेंटल हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याओं और रोगों पर वो दिखाया जा सके और लोगों को जागरूक बनाया जा सके और लोग आगे बढ़ करके डॉक्टरों से कंसल्ट करके उसे स्वस्थ कर सके। बिल्कुल, आई थिंक जस्ट इसमें एक पॉइंट बोलना चाहूंगा कि डिमेंशिया हम जनरली ये टर्म यूज करते हैं वृद्धावस्था में, बच्चों में भी परेशानियां होती हैं मेमोरी की और किस्म की, एकेडमिक्स पढ़ाई को लेके, और उसके लिए अलग सेट हैं लेबल्स के, जैसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जहाँ पे दिमाग का विकास ठीक से नहीं हो रहा, ये ऑटिज्म जहाँ पे बच्चे को बोलने में या कनेक्ट करने में इमोशनल होने में दिक्कत हो रही है, तो सब चीजें रहती हैं। मुझे लगता है कि फिल्मों से डेफिनेटली फिल्म एक ऐसा माध्यम है जिससे हम काफी इंफॉर्मेशन काफी जनता तक पहुंचा सकते हैं एक बहुत ही एक सरल ढंग से। ऑब्वियसली इसमें जो फिल्म के लेखक है या जो डायरेक्टर है उन पर एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब आप कोई मानसिक रोग की बात कर रहे हैं तो जरूर एक कोई स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करके ही चीजें दिखाएगी। काफी समय जब मानसिक रोगों को टीवी पे दिखाया जाता है या उनका ट्रीटमेंट टीवी पे दिखाया जाता है तो साइंटिफिक ढंग से नहीं दिखाया जाता है, बहुत ही गलत तरीके से दिखाया जाता है। लेकिन मुझे लगता है अगर कहीं पे अच्छे तरीके से दिखाया, जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, 15 पार्क एवेन्यू करके एक मूवी है जो नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर अपर्णा सेन ने बनाई थी, बहुत ज्यादा रिसर्च करके बनाई थी वो फिल्म। उसमें जो कैरेक्टर है कॉन्क्रा सेन शर्मा का, उन्हें स्किजोफ्रेनिया की बीमारी है और बहुत ही एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन है कि परेशानी कैसी होती है। या फिर डिसलेक्सिया पे तारे जमीन पे बनी थी, डिसलेक्सिया बीमार पे, उस पर भी बहुत ही अच्छे से बताया था वो बच्चे को जो दिक्कतें हो रही थी। बच्चा कोई मानसिक तौर पे बहुत ज्यादा बीमार नहीं था लेकिन कुछ ऐसी चीजें थी जो पढ़ने में लिखने में वो नहीं कर पा रहा था, वो इसलिए नहीं क्योंकि वो बच्चा लीजी था या ध्यान नहीं दे रहा था, एक्चुअली में उसका दिमाग इस तरह से बना था कि वो इन परेशानियों से जूझ रहा था। तो ये कुछ फिल्में ऐसी आई हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही साइंटिफिकली करेक्ट तरीके से लेकिन फिर भी सरल तौर पे बहुत ही लार्ज ऑडियंस तक ये चीजें पहुंचाई हैं, और इन फिल्मों का असर भी हुआ है कि इसके बाद कितने पेरेंट्स और कितने टीचर्स बता पाए कि नहीं ये बच्चा ना बदमाश नहीं है, ये तो परेशान है। हाँ। और अगर हम इसका इलाज किया कराएं तो ठीक हो, फायदा होगा। बिल्कुल, जैसे आप भी जानते हैं कि कोरोना ने, कोविड का जो दौर आया, काफी परेशानियां उन्होंने उस बीमारी ने हम लोगों को दी, काफी पीछे चले गए हम लोग। तो आप मानते हैं कि कोविड के समय में जो कुछ परिवर्तन हुए, जैसे कि लोगों का मिलना जुलना कम हो गया या बच्चों को ऑनलाइन क्लास के लिए मोबाइल पकड़ाना जरूरत हो गई, तो उस वजह से भी मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स को सामने आ रहे हैं। कोविड के बाद तो हमने एक बूम देखा है मेंटल इलनेसेस का, मानसिक रोगों का। जितने सारे पहले ही रिसर्च हो रहा था और पहली जो फिगर्स आ रहे थे इंडिया से वो ऑलरेडी काफी थोड़ा सा परेशान करने वाले थे। ये मैं 2018-2019 की बात कर रहा हूँ, तभी जो हम डिप्रेशन के फिगर्स देख रहे थे, एंग्जाइटी फिगर देख रहे थे, भारत में 100 में से 15 लोगों को डिप्रेशन या एंग्जाइटी के लक्षण हो सकते हैं, जो काफी बड़े फिगर है जी। और कोविड के बाद तो नंबर बढ़े ही हैं, और इनका मेन कारण यही रहा है कि जो एक आम जीवन हमारा चल रहा था वो पूरी तरह से बदल गया। जो बच्चों का, देखिए बच्चे स्कूल सिर्फ किताबों से पढ़ने नहीं जाते, वो अपने उम्र के लोगों से इंटरेक्ट करने नहीं जाते हैं, वो टीचर से सीखने भी जाते हैं। हम अगर ऑफिस जाते हैं तो उसका काम सिर्फ ये नहीं कि हम टेबल पे बैठ के फाइल भर रहे हैं, वो काम तो कोविड में भी हो रहा था घर से, लेकिन कितना ज्यादा परिवर्तन हो गया उसमें जी, जी। तो डेफिनेटली कोविड के बाद हमने बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखी है हर किस्म के मानसिक रोग में, और उसका इफेक्ट तो अभी भी चल ही रहा है कोविड के 3-4 साल बाद भी। बिल्कुल, धनबाद की बात करें, आप लगातार धनबाद में धनबाद प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिल्कुल का इलाज कर रहे हैं, धनबाद में किस तरह के मेंटल हेल्थ की परेशानी आप ज्यादा देख रहे हैं? लेकिन ये सवाल का जवाब मेरे पास भी 2 साल पहले नहीं था, क्योंकि धनबाद दिल्ली में मैं काम कर रहा था जब मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, फिर काम भी किया है वहाँ पे कुछ वक्त, फिर एम्स ऋषिकेश जब बना तो फिर वहाँ पे काम किया जी। फिर मुझे आइडिया था कि अच्छा इस तरह की बीमारियाँ होती हैं, और मिला कि धनबाद तो बहुत ही अलग है, छोटा शहर है, यहाँ पे शायद परेशानियाँ थोड़ी और अलग हो। लेकिन अजीब बात यह है कि ठीक उस तरह की बीमारियां जो हम दिल्ली में देख रहे थे वही बीमारियां अब हम धनबाद में भी देख रहे हैं। इसका यही मतलब है कि कितना कुछ प्रभाव जो एक मॉडर्नाइजेशन का है या वेस्टर्न इन्फ्लुएंस का आप कह लीजिए,
जो तनाव पहले छोटे शहर में उतने नहीं होते थे वो सारे तनाव अब देखने को मिल रहे हैं। जितने नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस सोशल मीडिया के हैं स्पेशली यूथ पे बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, स्पेशली बच्चों में। आजकल हम इतने सारे केसेस, इतनी सारी परेशानियाँ देखते हैं बच्चों में, इतना ज़्यादा प्रेशर में, स्ट्रेस में रहते हैं बच्चे। इसका एक मेन कारण उनका जो सोशल लाइफ, सोशल एक्टिविटी है, सॉरी सोशल मीडिया पे एक्टिविटी, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, वो एक मेजर कारण बना है। अभी हाल में धनबाद के एक प्रसिद्ध स्कूल में, आई थिंक डिलोबली स्कूल ने ये निश्चय किया कि बच्चों को स्कूल में हम मोबाइल फोन अलाउ नहीं करेंगे। ये बहुत ही एक अच्छा कदम है, बहुत पॉजिटिव कदम है, क्योंकि जब हम जैसे इसी थीम पे हम अगर वापस आए यूनिवर्सल ह्यूमन राइट पे, तो उसका एक पहलू होता है कि हम अपने पॉपुलेशन का, अपनी जनता का रक्षा करें ऐसे चीजों से जिसका एक नेगेटिव प्रभाव पड़ता है उनके मानसिक, उनमें से बच्चे और सोशल मीडिया, इनको दूर रखने की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है आज के टाइम में। बिल्कुल, तो ये अच्छा है कि ये कदम उठा रहे हैं और आई होप कि धीरे धीरे जागरूकता बढ़े। तो लेकिन चाहे वो डिप्रेशन हो, एंग्जाइटी हो, इवन जो सीरियस मेंटल इलनेसेस है जैसे बाइपोलर, स्किज़ोफ्रेनिया, ये सारे ही परेशानियां हम देखने को मिल रहे हैं धनबाद में। और एक और जो चिंता के कारण वो है कि नशा संबंधित जो परेशानियां हैं वो भी अब बढ़ रही हैं, चाहे वो शराब, गुटखा, वो तो पहले ही था लेकिन अब गांजा हो गया, कुछ ओपियोइड जो हो गए, ब्राउन शुगर, हेरोइन, ये सब की भी परेशानियां अब देखने को मिल रही है, थोड़ा सा चिंता का कारण है। क्योंकि परेशानियां तो हैं लेकिन इनके ट्रीटमेंट की जो सुविधाएं वो बहुत ही कम है। बिल्कुल, तो कोई एक व्यक्ति मानसिक रोग से दूर रहे इसके लिए उसे क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, हमारा जीवन जो है वो तनावपूर्ण है, ये एक सैड रियलिटी है। जो मॉडर्न लाइफ है जो हम जीते हैं उसमें बहुत सारे सोर्सेज हैं जहां से तनाव हमारे जीवन में आ सकते हैं, और हर समय ये संभव नहीं होता कि हम तनाव से बिल्कुल मुक्त रहें। फिर भी कुछ चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। पहला है जो हमारे दादा दादी, नाना नानी हमें कहते थे और हम ध्यान नहीं देते थे, वो एक रूटीन मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सही समय पे हम उठ जाएं, एक सही समय पे हम सो जाएं, कुछ समय हम जरूर निकालें फिजिकल एक्टिविटी के लिए। मैं लोगों को कहता हूँ कि आपको जो पसंद है आप वो करो, ऐसा नहीं कि ये चीज दूसरे से बेहतर है। आपको अगर वॉकिंग ही पसंद है उतना ही आप सब बात आप वही कर लो। योगा पे आजकल तो इतना ज्यादा इंफोसिस है, और अच्छी बात है कि धनबाद में काफी लोग हैं जो अच्छा, अच्छे क्वालिटी का योगा सिखा रहे हैं, तो आप उनसे संपर्क करें। जिम्स इतने सारे खुल गए हैं, और कुछ नहीं हो आप बाहर जाके बैडमिंटन ही खेल लो अपने दोस्तों के साथ, उससे दो फायदा है, एक तो फिजिकल एक्टिविटी हो गया और आपका सोशलाइजिंग भी हो गया कि कोई मोहल्ले वाले मिल गए, कोई दोस्त मिल गए। सोशल कनेक्शंस को फिर से बनाना, मोबाइल पे टाइम थोड़ा सा कम करिए और वो जो टाइम बचता है एक्चुअली में लोगों से थोड़ा मिलिए, वो कनेक्शन एक बनाइए, बहुत बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है इससे। क्योंकि ये चीज ना 10 साल में बहुत बदल गई है, उसका इम्पैक्ट हमारे दिमाग पर पड़ रहा है। खाने पीने पे थोड़ा सा ध्यान देना, एक फिक्स टाइम रखिए खाने पीने का, मील्स के बीच में अननेसेसरी मत खाइए। जो हमारा इंडियन डाइट है वो बेस्ट है, उसमें कुछ खास हमें चेंज लाने की जरूरत नहीं, बैलेंस डाइट है, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, उसमें प्रोटीन्स भी है, उसमें मिनरल्स भी है, फैट भी, सब कुछ इंक्लूडेड है। थोड़ा सा प्रोटीन एक चीज है जो हमारे इंडियन डाइट में लैकिंग है, उस तक थोड़ा सा वो बढ़ा सके उसकी मात्रा। ये बेसिक चीज है जो हम सुनते आ रहे हैं, हम ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन यही चीजें जो काम करती है, ये चीजें जो हमें सुरक्षित रखती हैं, ये तनाव के नेगेटिव इफेक्ट है। तनाव को हम नहीं हटा सकते, उनके नेगेटिव इफेक्ट को हम कम कर सकते हैं। बिल्कुल, आपने जैसे शुरू से ही कहा कि जागरूकता की जरूरत है, जागरूकता बल देने की जरूरत है, लोगों से जागरूक करने की जरूरत है, बताने की जरूरत है कि मानसिक विकार क्या होते हैं, कैसे बचा जाए, इसको लेकर के धनबाद में किसी तरह का कोई आयोजन होने जा रहा है? तो इस साल हमने ये शुरू किया है, जीडी कुमार एंड सन्स और ये साधन जो एनजीओ है उनके मदद से हम एक कदम ले रहे हैं इस वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पे। थीम वही है, तो उसी के अराउंड हमें कदम उठाना है कि इसको हम मानसिक स्वास्थ्य को सबका मानव अधिकार कैसे बनाएं, क्या कदम उठाएं। और दो मेन एरिया है जो हमने आइडेंटिफाई किया है। पहला है कि मानसिक स्वास्थ्य को लेके, मानसिक रोगों को लेके हम अवेयरनेस यानी जागरूकता बढ़ाएं और सही, साइंटिफिकली सही जानकारी लोगों तक पहुंचाएं। उसके लिए हम शुरू कर रहे हैं एक सीरीज ऑफ वेबिनार्स जो कि फ्री होगा, जो भी चाहे, जो भी इंटरेस्टेड हो उसमें लॉग इन कर सकते हैं। महीने में एक बार करके हम करेंगे। इसका पहला वेबिनार इस आने वाले संडे 15 तारीख को किया जाएगा ठीक 12 बजे, और इससे आप जुड़ सकते हैं,
चाहे तो बस सुन सकते हैं, चाहे तो अपने सवाल पूछ सकते हैं, पहले से भी अपने सवाल भेज के रख सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम ना लिया जाए तो बिल्कुल हम उसको भी रिस्पेक्ट करेंगे, कॉन्फिडेंशियल रखेंगे। और ये वेबिनार जो सीरीज ऑफ वेबिनार्स होगा उसके द्वारा हम कोशिश करेंगे कि जो कॉमन मानसिक रोग जो हम देखते हैं उसके बारे में बातचीत करें, जागरूकता फैलाएं और उसका इलाज कैसे हो सकता है उसके बारे में भी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दें। तो एक ये भाग हो गया। दूसरा है कि इसको हम बात तो कर रहे हैं कि इसको हम सबका मानव अधिकार बनाएं, सब तक पहुंचाएं, लेकिन सच्चाई तो ये भी है कि उतने मेंटल हेल्थ केयर सर्विसेज है नहीं। धनबाद की बात करें, झारखंड की बात करें, तो जो हमारे ट्रेन्ड साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनकी तादाद तो बहुत ही कम है। जो चंद कुछ हैं भी वो रांची में है। अब हर व्यक्ति के लिए तो संभव नहीं है कि धनबाद से रांची जाए, या धनबाद में ही रहने वालों के लिए मुश्किल है कि जो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं उनका फीस वो हर बार देते रहे, देते ही हफ्ते दर हफ्ते, महीने दर महीने जी। तो उसके लिए अगेन जीडी कुमार सन्स और साधन एनजीओ ने एक कदम उठाया है कि जो अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज हैं, जो हमारे स्लम एरियाज हैं, जो पुअर सेक्शंस हैं, उन तक हम मानसिक स्वास्थ्य को उनके डोर स्टेप तक लेके जाएं। और ये होगा थ्रू फ्री मेंटल हेल्थ कैंप्स। हम मेंटल हेल्थ कैंप्स का आयोजन करेंगे जिसमें मैं खुद रहूंगा, हमारे जो साथ में एनजीओ के वर्कर्स हैं वो रहेंगे, पहले से बता के रखेंगे ताकि उस एरिया के जो लोग हैं जो हमसे बातचीत करना चाहें, अपने प्रॉब्लम्स जो हैं वो शेयर करना चाहें, वो सब आ सके। ये बिल्कुल निशुल्क होगा और वक्त के साथ धीरे धीरे करके हम कोशिश करेंगे कि धनबाद के अलग अलग एरियाज को हम कवर करें, धनबाद के आसपास के एरियाज को भी कवर करें। इन कैंप्स के द्वारा जागरूकता तो फैलाई जाएगी और जो एक कंसल्टेशन करना चाहें, जो जानकारी लेना चाहें, जो अपने मरीज को दिखाना चाहें, वो निःशुल्क तौर पे हमें मिल भी पाएंगे। बिल्कुल, इसी तरह के मानसिक रोग को लेकर के या मानसिक रोगों से बचने के लिए यदि कोई व्यक्ति डॉक्टर मृणाल झा से मिलना चाहता है या कंसल्ट करना चाहता है, वो कैसे संपर्क कर सकता है? तो जैसे कि ये जो एक इनिशिएटिव है जीडी कुमार सन्स ने लिया है, तो मैं भी इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ जीडी कुमार सन्स से, जो इनका बैंकपुर में क्लिनिक है, और ये यहाँ पे आकर इन्हें मुझसे भी मुलाकात कर सकते हैं और बाकी जानकारी भी जीडी कुमार एंड सन्स बैंकपुर में ले सकते हैं। तो देखा आपने, डॉक्टर मृणाल झा को आप सुन रहे थे। मेंटल हेल्थ के लिए इन्होंने बिल्कुल बेबाकी से और खुल करके इन्होंने बात की। इन्होंने बताया कि कैसे लोग मानसिक रोग के शिकार हो जाते हैं, कैसे मानसिक रोगों से बचा जा सकता है और किस तरह मानसिक रोगों का उपचार किया जा सकता है। सारी बातों पर इन्होंने खुलकर अपनी राय रखी। तो इनका सीधा सीधा कहना यह था कि आप नशे से दूर रहें, लोगों से मिले जुले, अपने लिए समय निकालें। तनाव तो सबके साथ होता है, लेकिन अनचाहे तनावों से भी आप मुक्त रहें। कोशिश करें खुश रहने की और तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं। कहा दिया गया है कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का वास होता है, लेकिन यदि मन ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो वो तन स्वस्थ रह नहीं सकता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिटलाइन। तब तक के लिए